हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आप सभी को डोरेमोन नोबिताज ट्रेजर आइलैंड मूवी के बारे में कुछ बातें आप सभी को बताने वाला हूं। इस मूवी के डबिंग के बारे में, इसके मिस्ट्री के बारे में और इसके कुछ सीन्स के बारे में जिसे हटा दिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो बात करते हैं इस मूवी के डबिंग के बारे में। दोस्तों इस मूवी की डबिंग अच्छी है, पर इसमें नोबिता की वॉइस उस पर सूट नहीं करता है और इस मूवी के विलेन के वॉइस कुछ ज्यादा ही अटपटी है और बाकी कैरेक्टर्स की वॉइस जैसी डोरेमोन काची कोची के मूवी में थी वैसी ही है। और अब बात करते हैं इस मूवी के मिस्ट्री के बारे में। अगर आपने मूवी देखी है तो जब हमारा विलेन फ्यूचर में जाता है 2250 से 2295 तक, तो उस वक्त पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है। ऐसा क्यों होता है यह हमें मूवी में नहीं बताया जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। एंड लास्ट दोस्तों, इस मूवी के कुछ सीन्स को काट के टीवी पर दिखाया गया है। एक सीन में जियान नोबिता को परेशान कर रहा होता है या उसे पीट रहा होता है, इस सीन को काट दिया गया है। दूसरे सीन में नोबिता सिजुका के बाथरूम में चला जाता है और उसे सिजुका थप्पड़ मारती है, इस सीन को भी हटा दिया गया है। और तीसरे सीन में शिप के अंदर कैंटीन वाले सीन को भी हटा दिया गया है, पर मुझे इस सीन में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। लेकिन हो सकता है कि लैंग्वेज में कुछ उल्टा सीधा बात हो, इसलिए यहाँ के सीन को हटा दिया गया हो। और दोस्तों ऐसे कई सारे सीन हैं जिसे हटा दिया गया है। अगर मैं उन सारे सीन्स को गिनूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।